एक छोटी सी दुखद घटना को जब हमारा मन नेगेटिविटी के रंगों से भर देता है, तब कैसी दुर्घटना घटती है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 16। एक युवक युवती का प्रेम विवाह हुआ। दोनों के माता पिता की नाराजगी और निषेध के बावजूद हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इस भावना से विवाह कर लिया और स्वतंत्र रहने लगे। एक दिन ऑफिस जाते समय युवक ने पत्नी से कहा कि आज पार्टी प्लॉट में एक पार्टी है, हम दोनों के लिए भी निमंत्रण आया है, मैं ऑफिस से 4 बजे आ जाऊंगा, तू तैयार रहना, और देख सब बड़े बड़े VIP लोग आने वाले हैं, इसलिए तेरे पास वो पिंक कलर की साड़ी है ना, वो पहनना, उसमें तो बहुत सुंदर दिखती है, तेरे साथ मेरा भी वट पड़ेगा। युवक 4 बजे आ गया, पत्नी भी तैयार ही थी, लेकिन उसने पिंक के बदले ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। ये देखकर पति का पारा चढ़ गया। उसने पूछा, तूने ग्रीन कलर की साड़ी क्यों पहनी है? पत्नी ने अपना विचार व्यक्त किया, मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए। नहीं, तू पिंक साड़ी में ही ज्यादा अच्छी लगती है, अभी भी समय है, बदल ले, हम 10 मिनट के बाद निकलेंगे। नहीं, अब पहन ली है तो यही चलेगी, इसमें भी आप देखिए ना मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। लेकिन तू उसी पिंक साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए साड़ी बदल ले। पत्नी जिद पर अड़ गई, मैं इसमें भी सुंदर ही लगती हूँ, मुझे नहीं बदलनी है। पति ने पत्नी को मनाने की कोशिश की, तू जिद क्यों कर रही है, कहा है तो साड़ी बदल ले। पत्नी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, साड़ी मुझे पहनी है, आप उसी साड़ी के पीछे क्यों पड़े हो। इस प्रकार धीरे धीरे बात का बतंगड़ बन गया और दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। पति ने चेतावनी देते हुए कहा, तू साड़ी बदलेगी तो ही तुझे ले जाऊंगा, अन्यथा नहीं। पत्नी ने भी अहम प्रेरित निर्णय बता दिया, आऊंगी तो इसी साड़ी में आऊंगी, मैं साड़ी तो नहीं ही बदलूंगी। अंततः पति पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया और अकेले ही पार्टी में चला गया। इधर घर में अकेली रह गई पत्नी ने कल्पना के रंग भरना शुरू कर दिया, सारी अक्ल तो जैसे उन्हीं में है, मुझे तो जैसे अक्ल ही नहीं है, मैं किसमें सुंदर लगती हूँ और किसमें नहीं, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, साड़ी मुझे पहननी है, फिर उन्हें जिद करने की जरूरत क्या थी, मैं उनके कपड़ों के लिए जिद करती हूँ क्या, मेरी तो किसी भी इच्छा की परवाह ही नहीं है, मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है, शादी की तो क्या उनकी गुलाम बन गई, आज पहनने की बात में गुलामी, कल खाने पीने में गुलामी आ जाएगी, फिर घूमने फिरने में, बात बात में गुलामी, कदम कदम पर उनकी ही मर्जी कब तक चलेगी, पूरी जिंदगी, ना ना ऐसी जिंदगी भर की गुलामी मैं सहन नहीं करूंगी, इससे तो मर जाना अच्छा। कल्पना के रंग गहराए और घोटे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था और परिणाम साड़ी से गले में फंदा डालकर पंखे पर लटक गई। क्या एक साड़ी पहनने का विवाद मृत्यु से अधिक दुखदाई है? हम अखबारों में पढ़ते ही है, मम्मी ने पसंदीदा हेयर स्टाइल कराने से रोका तो 16 वर्ष की बेटी ने आत्महत्या कर ली, किसी अवसर पर पति ने पत्नी को पीहर जाने की अनुमति नहीं दी तो पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी, एक मार्क से मेरिट में नंबर नहीं आया तो विद्यार्थी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, माता पिता ने फोन खरीद कर नहीं दिया तो बेटी ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सब 125 पावर के दुख है या पूरे 25 पावर के भी नहीं है, इसके बावजूद आत्महत्या क्यों? प्रश्न उठता है कि ऐसे दुख में तो आत्महत्या करने वाले तो मूर्ख ही है, लेकिन जब दुख चारों ओर से घेर लेते हैं तो सहन शक्ति टूट नहीं जाएगी? एक तरफ धंधे में घाटा हो जाए, जिनसे पैसा लेना निकलता हो वो पैसे न दे और मांगने वाले हैं वो छाती पर चढ़ बैठते हो, शरीर में भी कोई ना कोई गंभीर रोग लगातार परेशान कर रहा हो, ससुराल में विदा की बेटी को ससुराल वालों ने भांति भांति के आरोप लगाकर और यातनाएं देकर घर से निकाल दिया हो और वो 2 साल से पीहर में रह रही हो और उसके ससुराल वाले पूरे समाज में बेटी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हो जिससे समाज में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाए और काफी मेहनत करने के बावजूद कोई फर्क न पड़ता हो, इन दुखों का कोई अंत दिखाई न देता हो, तो इन सभी दुखों का योग तो 100 पावर से बढ़ ही जाएगा ना। उत्तर देते हुए पूज्यश्री कहते हैं कि चारों ओर से काफी दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के भी यदि प्राण नहीं निकले तो सारे दुखों का योग 100 पावर से कम ही है, यानी मृत्यु के पावर से कम ही है, 100 पावर से बढ़ेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे, ये बात दिल में गांठ बांध लो। प्रश्न उठता है, लेकिन मांगने वाले यमराज जैसे हो, पैसे वसूलने के लिए चमड़े के पट्टे से मारते हो, लकड़ी से पिटाई करते हो, घर पहुंचने पर पत्नी पैसे लाओ कहकर जान खाती हो, पुत्र वधु रूट कर पीहर चली गई हो और पारिवारिक यातनाओं के नाम से भांति भांति के मुकदमे कर रही हो, तो ये सब कैसे सहन होगा? उत्तर देते हुए पूज्यश्री कहते हैं
कि आत्महत्या द्वारा मृत्यु के 100 पावर के दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाने वाले 70-80 पावर के दुख को कैसे सहन किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न ही कैसे पूछ सकता है, प्रश्न उठता है। लेकिन इतना सारा दुख इकट्ठा होकर भी मृत्यु के दुख से कम ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है, जानेंगे एपिसोड 17 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hrudayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।